आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे इंजिन्स के नाम जो काफी ज्यादा लेजेंडरी और आइकॉनिक इंजन रह चुके हैं इंडियन मार्केट में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो इंजन है गाइस वो है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन। K12M और K12N जो ये दो इंजन है वो काफी ज्यादा आइकॉनिक रही है। K12M पावर निकालता था 82 BHP 130 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क के साथ। K12N इंजन निकालता था 88 BHP 130 न्यूटन मीटर्स के साथ। 5 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इंजन आते थे। दूसरे नंबर पर जो इंजन है वो है गाइस होंडा का 1.5 लीटर iVTEC इंजन। ये आपको पता होगा होंडा सिटी में आपने ये नाम सुना होगा iVTEC iDTEC। तो 1.5 लीटर का जो iVTEC पेट्रोल इंजन है वो काफी ज्यादा आइकॉनिक इंजन रहा था। 119 BHP 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड का CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है। नंबर 3 पे जो इंजन है वो है Hyundai की तरफ से आने वाली 1.6 लीटर CRDI डीजल इंजन। तो आपको पता है CRDI का ये वाला इंजन जो है Hyundai का काफी ज्यादा हाइप पे था, काफी ज्यादा मजेदार ये इंजन था। 126 BHP का पावर निकालता था, 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता था, 66 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आता था, इंजन आता था। और पे जो इंजन है वो है गाइस Fiat Multijet 1.3 लीटर इंजन या फिर मारुति सुजुकी का DDIS 200 इंजन। तो ये आपने ये नाम भी आपने सुना होगा मारुति सुजुकी के इंजन में। 89 BHP का पावर निकालता था, 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता था, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये भी इंजन आते थे। ये भी काफी आइकॉनिक इंजन रहा था। नंबर 5 पे जो इंजन है गाइस ये है Volkswagen की तरफ से Volkswagen 1.2 लीटर TSI इंजन। ये बहुत ही लेजेंडरी इंजन है। ये आता था पोलो में, पोलो Volkswagen पोलो जो लेजेंडरी कार भी है और उसमें ये लेजेंडरी इंजन भी आता है। आपको अगर पता होगा कि 1.2 लीटर TSI बोलते तो लोग पोलो को ही समझते थे। तो ये इंजन जो पावर निकालता था 105 BHP का और 175 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता था, 6 स्पीड का मैनुअल और 7 स्पीड का DSG गियरबॉक्स के साथ। नंबर 6 पे जो इंजन है वो है Fiat का 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये Fiat की गाड़ियों में आता था। 145 BHP का पावर निकालता था, 212 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता था, 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। नंबर 7 पे जो इंजन है गाइस वो है टाटा का लेजेंडरी 2.2 लीटर डाइकर इंजन। ये आपको पता होगा सफारी में आता था। 140 BHP का पावर निकालता था, 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता था, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। नंबर 8 पे जो इंजन है गाइस वो अगेन एक लेजेंडरी इंजन है महिंद्रा का 2.2 लीटर MHawk डीजल इंजन। ये पावर निकालता था 137 BHP का और 319 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता था, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आता था, सॉरी इंजन आता था। और ये स्कॉर्पियो वगैरह में रहता था, आपको पता ही होगा। नंबर 9 पे जो इंजन है वो है Hyundai का अगेन 1.0 लीटर कापा टर्बो पेट्रोल GDI इंजन। तो ये भी एक लेजेंडरी इंजन है अपने आप। 118 BHP का पावर 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क के साथ आता था, 6 स्पीड का IMT या फिर 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ। और लास्ट में आखिरी में जो इंजन है वो है गाइस Volkswagen या फिर Skoda की तरफ से आने वाली 1.8 लीटर TSI इंजन, जो पावर निकालता था 177 BHP का और 220 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता था, 7 स्पीड के DSG गियरबॉक्स के साथ। तो गाइज ये थे कुछ लेजेंडरी इंजन इंडियन मार्केट में इंडियन गाड़ियों में आते थे। अगर आपको इनमें से कोई भी इंजन के बारे में पता हो कमेंट में जरूर बताएगा। फेवरेट इंजन कौन सा है कमेंट में जरूर बताएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।